बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय के तहत हर घर नल जल योजना का काम 27 सितंबर 2016 से शुरू किया गया था। योजना को पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च 2020 तक किया गया था, लेकिन अब तक बेगूसराय जिला के मखरी प्रखंड राठन पंचायत में नल जल योजना का काम पूर्ण नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ नल पानी रोड पर जल जमा हो जाता है। यहाँ के समुदाय को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं ये समस्या को दूर करने के लिए पूर्व पंचायत समिति पंकज कुमार पासवान ने लिखित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को दिए थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार पांडे को निरीक्षण करने के लिए भेजे हैं, जिन्होंने ये बताए कि अनुमंडल पदाधिकारी को पंकज जी यहाँ से आवेदन दिए थे, उसके आलोक में हम लोग जांच करने आए हैं। टंकी लीकेज हो रहा है और गांव में जगह जगह पे सप्लाई की जो पाइप है वो टूटी हुई है। हम लोग देख रहे हैं, इसको देख करके अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, फिर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। जांच या पड़ताल कभी कुछ नहीं किए हैं, जैसे मर्जी हुआ वैसे बना दिया है। पीसीसी नया पीसीसी ढलाई को तोड़कर पाइप बिछाया गया है और जैसे तैसे उसी तरह छोड़ दिया है। ढलाई को पाइप को ढका भी नहीं गया है, जिसके कारण पाइप पूरे चूर चूर होकर पानी मान चलिए दुरुपयोग हो रहा है। रोड और गली में पानी बहने लगता है जब चालू किया जाता है। उसके बाद है किसी घर में टूटी लगाया और किसी घर में ऐसे पाइप बगैर टूटी एक छोड़ दिया है। पानी चालू होता है तो उसके घर में पानी भर जाता है। कारण है टूटी बंद करने और खोलने के लिए कोई उसको लगाया ही नहीं गया है टूटी का। यहाँ लीकेज भी हो रहा है टंकी, और ये जो भवन बनाया है ये भी देखिए अभी उसी तरह खंडर की तरह पड़ा हुआ है, यानी काम अभी भी अधूरा है। यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पानी भी हम लोग खरीद करके पी रहे हैं, गाड़ी से पानी पहुँचाता है और लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं। तो व्यवसायियों ने अपने व्यवसाय में डाल दिया है और अभी इसलिए इस पर काम तो होना ही चाहिए इस पर, कि लोगों को शुद्ध जल कैसे मुहैया हो। ये काम सरकार का है, सरकार की ये प्राथमिकता सूची में है कि लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध करा दी। सरकार का जो मानसा था, जो उद्देश्य था, जो जनता को स्वच्छ पानी मिले नल जल के तहत, लेकिन इस विभागीय लापरवाही के कारण और पदाधिकारी की लापरवाह होने के कारण, देख रेख नहीं करने के कारण ऐसा नौबत उत्पन्न आया है। एक बूंद भी पानी कोई जनता अभी तक इस ग्राम पंचायत का नहीं पिया होगा इस नल जल की योजना से। मैं मांग करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जिस पर जांच हो, सही ढंग से काम करे, ताकि जनता को जो सरकार की पूंजी है, पैसा लगी है, जनता को बिहार में हर एक पंचायत में बनाया गया जो स्वच्छ पानी पियेंगे स्वच्छ रहेंगे, दूषित पानी नहीं पियेंगे, जिससे बीमारी कम होगा, स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आप भी मेरा सहयोग करें, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द यहाँ के समुदाय को योजना का लाभ मिल सके। मैं इंदु समुदाय संवाददाता बेगूसराय बिहार से।